हेलो गाइस, आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस एक्सप्रेशन फैक्टराइज्ड इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसमें से हम कोई भी नंबर ले लें, लेट्स से 10 ले लिया हमने, तो इसको अगर करेंगे तो 2 × 5, इसको मैं 5 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनिक होगी, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, यूनिक होगा, यानी कि ये यूनिक है। अब ये यूनिक कैसे है, क्योंकि इसमें 2 है और 5 है, ये फैक्टर्स यूनिक है, चाहे हम इसको 2 × 5 लिखे चाहे 5 × 2 लिखे, यही ये थ्योरम बताती है कि ये क्या होगा, यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। ऑर्डर को अगर हम ना देखें, हमें ऑर्डर नहीं देखना है कि हमें 2 × 5 लिखना है या 5 × 2, लेकिन ये जो ये एक्सप्रेशन है ये 5 × 2 ही लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 5 × 3 नहीं लिख सकते या फिर 5 × 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये यूनिक होगा, ये थ्योरम बताती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी प्राइम नंबर है तो p किसको डिवाइड कर रहा है, अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, और a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये थ्योरम्स में यूज होता है, ये वाला पॉइंट हमें मेंशन करना पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक सम हो चाहे डिफरेंस हो, किसका, एक रैशनल का और एक इरेशनल का, अगर इन दोनों का हम सम ले या फिर डिफरेंस ले, लेट्स से ये एक रैशनल नंबर है 3 लिया हमने और ये लिया -√3 लिया, तो ये हमेशा क्या होगा, ये इरेशनल होगा, चाहे इसको माइनस ये ले चाहे 3 + √3 ले, ये क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। ये 1 मार्क में क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब इसमें क्या बोला, प्रोडक्ट और क्वेश्चन भी क्या होगा, एक नॉन जीरो रैशनल, अगर हम इसका 4 ले लेते हैं और एक इरेशनल नंबर जैसे √3/4 है, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, और प्रोडक्ट अगर हम ले 4√3 वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, इसमें ये क्या है, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, ये रैशनल है और ये रैशनल है, तो इनके प्रोडक्ट और क्वेश्चेंट और सम और डिफरेंस क्या होंगे, हमेशा इरेशनल होंगे। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं इसके, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। इसलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।